केजरीवाल ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण बात कही थी। बात हंसी में आई गई हो गई, लेकिन वो बात आपको सुननी चाहिए। वो एक गंभीर स्टेटमेंट है, जरा सुनिए तो। कांग्रेस खत्म हो गई है, उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। लेकिन केजरीवाल की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों? इस देश में भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन है? कांग्रेस। और कांग्रेस को हराकर किस पार्टी ने दो राज्यों में सत्ता हासिल की? केजरीवाल ने। इसका मतलब है केजरीवाल कांग्रेस को हटा करके अपनी स्थान पूरी कर रहे हैं, भर रहे हैं। और केजरीवाल का मिशन इतना ही नहीं है, वो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में देश के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है, और हर व्यक्ति को ये जानने का हक है कि आखिर केजरीवाल का विजन क्या है। अपने बच्चों की कसम खाने वाले केजरीवाल की विचारधारा क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि देश के किसी भी बड़े मुद्दे पर केजरीवाल कब कौन सा स्टैंड लेंगे, ये किसी को नहीं पता है। और एक बात ध्यान रखिए कि इस देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनकी एक विचारधारा है। अब चाहे आप देखिए वामपंथी विचारधारा हो, राष्ट्रवादी विचारधारा हो, लोहियावादी, समाजवादी, अंबेडकरवादी, कई विचारधाराओं वाली पार्टी है, लेकिन केजरीवाल की कौन सी विचारधारा है? हैरत में पड़ गए ना, किसी ने सोचा ही नहीं। आज के इस वीडियो में इसी बात को मैं डिकोड करने की कोशिश करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज मैं केजरीवाल की विचारधारा को समझने और तथ्यों के जरिए, रिपोर्ट्स के जरिए आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस देश में किसी भी ज्वलंत मुद्दे को लेकर केजरीवाल की सोच क्या है? आखिर वो किस प्रकार से काम करते हैं? किसी विजन के साथ, किसी मिशन के साथ काम करते हैं या अपनी मनमर्जी से जो मन में आता है वो कर लेते हैं? हालांकि केजरीवाल खुद क्या है, इसके बारे में एक बार उन्होंने कहा था, आपको वो बयान सुनाता हूँ, पहले वो सुनिए। कुछ लोग कह रहे हैं मैं एनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ, मैं मानता हूँ जी मैं एनार्किस्ट हूँ, मैं अव्यवस्था फैला रहा हूँ। लेकिन अराजकतावादी कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अराजकतावादी तो कभी भी कुछ भी कर सकता है। लेकिन केजरीवाल भी क्या ऐसा ही करते हैं? ऐसा लगता नहीं है। अराजकतावादी नहीं, अवसरवादी। अब ये बात क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि केजरीवाल का हर कदम सोचा समझा होता है। मैं एक एक करके कुछ विषय उठाते हुए, उदाहरण देते हुए आपको बताने का प्रयास करता हूँ, फिर आप कंक्लूजन निकालिएगा। सबसे पहले मैं आस्था की बात करता हूँ। किसी भी विचारधारा के मूल में आस्था होती है, और आस्था को लेकर के केजरीवाल की क्या सोच है? केजरीवाल की आस्था कभी भी एक जैसी नहीं रही। राजनीति में आने के साथ ही उन्होंने मंदिरों और पूजा पाठ का घोर विरोध किया। साल 2014 में वह कहा करते थे, आप देखिए रिपोर्ट में, माई राम कांट रिजाइड इन टेम्पल बिल्ट ऑन डेब्रीज ऑफ मॉस्क। मस्जिद के खंडहर में उनका राम नहीं बस सकता, ये कहते थे। और मतलब 2018 तक, मैं एक बाइट सुनाता हूँ आपको, पूजा पाठ मंदिरों का विरोध कर रहे थे, राम मंदिर का, और हर सभा में बोलते थे। आप उनका एक छोटा सा बयान सुनिए। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद इनकी आस्था बदल गई। जो आदमी विरोध करते थे उनकी आस्था बदल गई। अब जानते हैं वो मंदिर निर्माण के समर्थक हो गए, अब देख लीजिए, और पूजा पाठ का विशेष आयोजन करने लगे। 2021 में अपनी आस्था का सार्वजनिक प्रकटीकरण करने के लिए जानते हैं क्या किया? आप रिपोर्ट में देखिए, श्री राम मंदिर की 30 फुट ऊंची रेप्लिका दिल्ली में बनाकर दिवाली मनाई। और यही नहीं, अब हर सभा में जानते हैं क्या कहते हैं कि श्री राम के आदर्शों पर अपनी सरकार चलाएंगे, ये कहते हैं। इस व्यक्ति ने अपनी आस्था ही बदल ली। केजरीवाल ने आस्था बदल ली, ये तो आपने देख लिया। लेकिन केजरीवाल ने अपनी विचारधारा के अनुरूप जो पार्टी के नायक है ना, उसको भी बदल दिया। अब जो वोटर है ना, वो ध्यान में होता है।
कैसे, ये समझने की कोशिश कीजिए। जब इन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी, जब आंदोलन का दौर था, उस समय महात्मा गांधी को नायक मानते थे और उन्हीं के रिश्तेदार को अपनी पार्टी में शामिल कर अपनी तुलना करवाने लगे। आप रिपोर्ट देखिए ना, लाइक महात्मा केजरीवाल हैज़ क्रिएटेड होप एंड एनर्जी, मतलब महात्मा गांधी के पथ पर चलने की ब्रांडिंग करवा करके महाशय राजघाट में पहुंच जाते थे, चुप्पी साध लेते थे, मौन साध लेते थे और ये दिखाते थे कि वो महात्मा गांधी के नाम पर किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब पूरी मार्केटिंग महात्मा गांधी पर चलती थी। लेकिन जैसे ही सत्ता मिली तो क्या हुआ, पंजाब में उन्हें जैसे ही सत्ता मिली, सरकार बनाई, तो आप देखिए अपनी सरकार के हर कार्यालय से महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी। आप सोचिए, महात्मा गांधी तो राष्ट्रपिता है ना, उनका तो किसी पार्टी से, कांग्रेस भले बोलती है कि मेरी पार्टी के हैं वो, लेकिन महात्मा गांधी तो राष्ट्र के हैं। लेकिन केजरीवाल जो उनके रास्ते पर चलने की बात कहते थे, सरकारी कार्यालयों से तस्वीर ही हटवा दी और उनको हटा करके भगत सिंह और अंबेडकर की तस्वीर लगवा दी। एक तरह से ये ऐलान कर दिया कि उनके नायक बदल गए। हालांकि आजकल गुजरात जाते हैं तो वहाँ फिर से महात्मा गांधी की बात करने लगे हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने नायक जो आदर्श हैं उसको भी उन्होंने बदल दिया। केजरीवाल ने अपनी आस्था बदली, अपने नायक बदले और जो उनकी राजनीति का मूल मुद्दा था उसको भी बदल दिया। अब मूल मुद्दा क्या था आपको याद है, ईमानदारी की। दुनिया के सबसे ईमानदार तो यही नेता है ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था और भ्रष्टाचार के नाम पर इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, कई वीडियो में दिखा चुका हूँ, बहुत संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। नेताओं के भ्रष्टाचार, देश के बड़े बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार की बात कह करके आरोप लगाते थे, कागज़ का पोथा लेकर आते थे, सभी दल के राजनीतिक नेताओं को भ्रष्टाचार के नाम पर परेशान किया। लेकिन नेताओं ने, इन्हीं नेताओं ने जब कोर्ट पहुँचे, मानहानि का दावा किया, तो केजरीवाल सभी से माफ़ी मांगने लगे सार्वजनिक रूप से। और एक बार की बात नहीं, आप ये रिपोर्ट देखिए, हर नेता से माफ़ी मांगी, मतलब जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाया, माफ़ी मांगी, पूरा चरित्र ही बदल गया। और अब आपको आगे की सीढ़ी में आइए, आगे की कड़ी में आइए कि ये तो चेहरा बदला उन्होंने, बाद में चरित्र भी बदल गया। इनकी पार्टी के नेता जो पहले शुरुआती मूल्य की बात करते थे ना, वो ही बदल गए। चार चीजें नॉन नेगोशिएबल है, कैरेक्टर, क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म। इसके ऊपर आप सबूत ला दीजिए, टिकट कैंसिल कर दीजिए। अब तो इनके साथी, जो सबसे बड़े साथी हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वही भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं, शराब के मामले में करोड़ों का घोटाला किया है। लेकिन जब बात पूछिए तो क्या कहते हैं, केजरीवाल उन्हें भारत रत्न बताते हैं, ये है हकीकत। इनके दूसरे मंत्री पर आइए, सत्येंद्र जैन पर आइए, ये भी घोटाले और भ्रष्टाचार को लेकर जेल में है। लेकिन आज अगर उनसे पूछिए तो केजरीवाल गुणवान मानते हैं, पद्मश्री देना चाहते हैं। केजरीवाल का हर साथी इस समय लूट खसोट में लगा है, लेकिन केजरीवाल के लिए तो सब अच्छा है। एक और उदाहरण देख लीजिए, इनका मंत्री अमानतुल्ला खान, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड में खुलेआम धांधलेबाजी के लिए वो जेल जा चुका है। लेकिन केजरीवाल जी से अगर आप पूछेंगे तो वो उनका समर्थन करते हैं, उनका साथ देते हैं। उनके लिए बाकी दुनिया गंदी हो गई, क्योंकि उन्होंने पूरी की पूरी जो विचारधारा है ना, वही बदल दी। विचारधारा कुछ नहीं है, मतलब जो सोच है, जो लोगों के सामने रखा उन्होंने विजन, वही बदल दिया। केजरीवाल ने अपना सब कुछ बदल लिया, यहाँ तक कि आंदोलन की राजनीति में जो राष्ट्रभक्ति के गीत बजते थे ना, वो भी बदल गया। अब इनकी राष्ट्रभक्ति जो है वो झंडे तक ही सीमित रह गई है, और झंडे को लहराकर केजरीवाल अपने आप को कट्टर देशभक्त बताते हैं। और यही नहीं, इस भावना को वोटों से जोड़ने के लिए मेक इंडिया नंबर वन जैसे नारों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब देश की सेना पाकिस्तान पर हमला करती है ना, तो जानते हैं जनाब क्या करते हैं, सेना से सबूत मांगते हैं। और ऐसा करते समय केजरीवाल
सिर्फ अपनी राजनीति के बारे में सोचते हैं। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनकी इस बात से सेना के मनोबल पर कितना असर पड़ेगा। केजरीवाल कोई नेता तो है नहीं, इस तरीके का नेता होंगे लेकिन वो एक प्रदेश का, जो देश की राजधानी है, उसके मुख्यमंत्री भी तो हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पाकिस्तान पेश करता है और देश की सेना के खिलाफ इसका इस्तेमाल करता है। लेकिन केजरीवाल के लिए देश से ऊपर राजनीति है, इसीलिए उन्हें कश्मीरियों का नरसंहार भी और जो दर्द है ना उनका, वो झूठा लगता है। सुन लीजिए, ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। वही मेक इंडिया नंबर वन का नारा लगवाना उनके लिए मात्र वोटरों को आकर्षित करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो याद रखिए, वह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जर्मनी नहीं भेजते कि वो दुनिया की सबसे बड़ी शराब प्रदर्शनी को देखने जाए। अब जरा सोचिए कि भगवंत मान जो हफ्ते भर के लिए जर्मनी गए थे, कुछ और किया था क्या? शराब प्रदर्शनी की खबर ही आई और तो कुछ देखा नहीं। और क्या आया वो भी आप देख लीजिए, वहाँ उन्होंने भारत का नाम मिट्टी में मिलवा दिया। मुख्यमंत्री से ये घोषणा करवा दी कि BMW का प्लांट पंजाब में लगने वाला है। और उसके बाद क्या हुआ, BMW को बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता, भगवंत मान जर्मनी में ही थे, और कुछ ही घंटों के बाद, कुछ ही समय के बाद BMW इस बात को नकार देता है और पूरी दुनिया के सामने भारत को छोटा करने वाली हरकत का पर्दाफाश हो जाता है। अब ज़रा आप समझिए इस बात को, एक तरफ मेक इंडिया नंबर वन झंडा लेके घूम रहे हैं और दूसरी तरफ जर्मनी में भारत का अपमान करवा रहे हैं। ये हैं भगवंत मान। और केजरीवाल यही नहीं है, आगे और बढ़िए, भगवंत मान पर शराब पीकर प्लेन में चढ़ने का आरोप लगा, उन्हें बाहर किया गया। ये सारी तो सच्चाई है ना, क्योंकि उनको बाहर निकलना पड़ा, प्लेन में देरी हुई 4 घंटे की। लेकिन केजरीवाल के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। इतनी बदनामी के बाद भी, भारत की बदनामी विदेश में की जा रही है और उनका एक मुख्यमंत्री कर रहा है, लेकिन केजरीवाल ने एक शब्द नहीं कहा। लेकिन केजरीवाल कहाँ कहते हैं ये भी देख लीजिए, जब अमेरिका में वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी मेडिसिन स्क्वायर में भाषण देते हैं या उनका शो होता है तो केजरीवाल को मिर्ची लगती है और वो उसकी आलोचना करते हैं। आप ये भी देख लीजिए, केजरीवाल की जो विचारधारा है ना, उसका सही अंदाज़ा मैं उनके ही एक बयान से आपको देता हूँ। ये बयान बड़ा अच्छा है, देखकर सुनकर आपको अच्छा लगेगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। आप ये भी देख लीजिए, इफ़ एनीवन वांट्स वेरी इमीडिएट पब्लिसिटी इन दिस कंट्री, आप मेरे खड़े होकर केजरीवाल के खिलाफ गाली देना, एक ब्लॉग लिख दो केजरीवाल के खिलाफ, देखो सारे कैमरे वाले ब्रेकिंग न्यूज़ चलाना शुरू करें, इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन एक जमाने में तो लोग कह रहे थे कि आप ऐसे करते थे, यू यूज टू होल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एंड से कि ये करप्ट है, वो करप्ट है, मतलब आपके बारे में भी यही बोला जाता था। चलो गवर्नेंस की बात करते हैं, देख करके अच्छा लग रहा है ना, केजरीवाल कितनी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत उल्टी है। केजरीवाल जब भी मुंह खोलते हैं तो गाली गलौज के बिना बात नहीं करते। वो विधानसभा का हर सत्र सिर्फ इसलिए बुलाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को अपमानित किया जा सके। आप ये भी देख लीजिए कि गाली दे सकें, और जब तक वो प्रधानमंत्री मोदी को गाली ना दे दें तब तक उनका भाषण पूरा नहीं होता। कुछ हिस्से मैं आपको सुना रहा हूँ, सुन लीजिए। मोदी का राष्ट्रवाद धोखा है, मोदी का राष्ट्रवाद फर्जी है, मोदी बहुत खतरनाक है भाई साहब इस देश के लिए। ये भी सुनिए, मोदी ने पाकिस्तानियों के साथ सेटिंग कर रखी है, मोदी ने आतंकवादियों के साथ सेटिंग कर रखी है। एक ये भी, मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। क्या कुछ नहीं कहा है केजरीवाल ने, एक छोटा सा नमूना आप ये भी देख लीजिए। मोदी फर्जी राष्ट्रवादी है, मोदी पाकिस्तानियों के साथ मिला, मोदी आतंकवादियों के साथ मिला। यानी केजरीवाल को गाली गलौज की राजनीति का भी जनक माना जा सकता है। साथियों, केजरीवाल की राजनीति मौका परस्त राजनीति का एक नमूना है। इनकी राजनीति किसी विचारधारा या मॉडल को नहीं मानती, बल्कि इनकी राजनीति अपने आप में एक नया मॉडल है जिसे केजरीवाल मॉडल कह सकते हैं। ये वोट पाने के लिए, लोगों को लुभाने के लिए,
कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके लिए भले ही इन्हें देश, समाज या संविधान के खिलाफ क्यों ना काम करना पड़े, ये इनके कार्यों से चरितार्थ भी होता है और वो मैं कई बार आपको दिखा चुका हूँ। अब इन परिस्थितियों में केजरीवाल की करनी से उन्हें तात्कालिक लाभ तो मिल सकता है, लेकिन दीर्घकालीन रूप से ये कभी भी देश की दशा और दिशा को नहीं बदल सकते। ये हम सबको गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।